हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, आज का वीडियो में जो है थीम के ऊपर लेकर आ चुका हूँ। आप जो अपने MIUI 12 के Xiaomi के कोई भी फ़ोन के अंदर जो इस थीम को अप्लाई कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी थीम देखने को मिल जाती है। जहाँ तक जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सेटिंग के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो है आपको कुछ एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। सब कुछ जो आज के इस वीडियो में बताऊँगा, इसे कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको भी जानना है तो आप जो वीडियो एंड तक का देख सकते हैं। फिलहाल इसके आइकन पैक देख सकते हैं, एकदम मिनिमलिस्टिक देखने को मिल जाते हैं। लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है, और ये जो वॉलपेपर के साथ काफ़ी अच्छे से मिलते जुलते देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर घड़ी का एनिमेशन देख सकते हैं, आपको जो घड़ी का एनिमेशन इस पेज से जो इस पेज पे आ जाते हैं होम पेज पे, तो काफ़ी अच्छा जो घड़ी का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। आइकन पैक जो आपको स्क्वायर टाइप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्मॉल है, मिनिमलिस्टिक एकदम लगता है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है एज इट इज़ सेम देखने को मिल जाती है। सिर्फ यहाँ पर जो आपको आइकन में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, और ऊपर जो थोड़ा बहुत लेआउट जो यहाँ पर चेंज हो चुका है, बाकी इसमें कोई चेंजेस ज़्यादातर नहीं है। फुल स्क्रीन गेस्चर वगैरह सब कुछ एज इट इज़ नॉर्मल है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर भी एज इट इज़ वैसे ही है। थोड़ा बहुत जो कलर का यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बदल दिया है, ऊपर जो देख सकते हैं यहाँ पर जो टावर के आइकॉन या फिर बैटरी का आइकॉन वगैरह कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कुछ अलग देखने को मिल जाता है। अब जो गाइस इस थीम के ऊपर बस इतना ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर डायलर पैड की बात करें तो डायलर पैड में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो डायलर पैड ये गूगल का है, इसके वजह से शायद से देखने को नहीं मिलते, या फिर पता नहीं, अगर मे भी आपका डिवाइस कोई और होगा तो देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कुछ इस तरीके का आ जाता है, यहाँ पर वॉलपेपर देख सकते हैं, यही वॉलपेपर जो मेरे होम स्क्रीन पर भी सेट था, लेकिन मैंने जो इसे जो है सेट किया है। अगर आपको ये पसंद है तो कैसे करना है ये जो आगे चल के मैं बताऊँगा, तो आप जो इस वॉलपेपर को भी अपने फ़ोन के ऊपर सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो अगर आप जो इस तरीके से स्वाइप कर देते हो तो ये जो कंट्रोल ओपन हो जाता है, और यहाँ से जो आप जो हैंडी फीचर मिल जाता है, जहाँ से आप जो टॉर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, यहाँ से आप जो कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो वो जो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पर से चेंज हो सकते हैं गाइस, यहाँ से आप जो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसमें डार्क मोड या फिर लाइट मोड को भी इनेबल कर सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर म्यूजिक का भी पैनल देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली आप जो लॉक स्क्रीन से म्यूजिक जो यूज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप जो यहाँ पर जितना इसमें कस्टमाइजेशन करोगे उतना जो बेहतर देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताऊँगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर जो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि इस थीम को जो आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको ये थीम जो है पसंद आई है, आप जो है यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, तो सिंपली जो आप अपने ऑफिशियल थीम स्टोर के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर जो नो आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है NOVE, और यहाँ पर दो थीम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो वर्जन 11 वाला है वो डाउनलोड नहीं करना, आपको जो सिंपली एक नंबर का डाउनलोड कर लेना है, सिर्फ NOVE लिखा है वो वाला। और ये जो वॉलपेपर कैसे आपको मतलब सेट करना है वो भी बता देता हूँ। सिंपली नो लिखने के बाद ही यहाँ पर ये वॉलपेपर आ जाता है। अगर आप में नहीं आता तो आप यहाँ पर मोर के सेक्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर एक आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वॉ वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं जो इसे भी सेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ होम स्क्रीन के ऊपर। तो देख सकते हैं मैंने जो सेट किया, और लुक वाइज यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो तगड़ा देखने को मिल रहा है, एकदम लुक ही बदल दिया है इसने डिस्प्ले के ऊपर। तो आप जो इस तरीके से इस थीम को यूज़ कर सकते हैं, और इस थीम के साथ जो वॉलपेपर काफ़ी सूट यहाँ पर हो रहा है। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।